ओके सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के एनालिटिक ऑप्शन को ऑन कैसे करिए। अगर किसी को पता है कि टिकटॉक पर एनालिटिक ऑप्शन होता क्या है, तो आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ। उसको ऑन करने के बाद आपकी वीडियोज़ रैंक करने लग जाएगी। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइम पर वीडियो अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं, आपके जो फॉलोअर्स वो किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, आपकी वीडियो को किस टाइम पर वो वॉच कर सकते हैं। तो गाइज उस टाइम पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को देखते रहना एंड तक, और आपको सबसे पहले टिकटॉक को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में आ चुका हूँ। कुछ इस तरीके से आपको प्रोफाइल में आ जाना होगा। उसके बाद में आपको ऊपर 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्राइवेसी एंड सेटिंग में आपको जाना होगा। तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब उस एनालिटिक ऑप्शन को ऑन कैसे करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज योर अकाउंट वगैरह, यहाँ पे टिकटॉक कोड मिलेगा आपको, लैंग्वेज मिलेगी, डेटा सेवर मिलेगा। पर यहाँ पे आपको एनालिटिक ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। मेरे को पहले भी पता नहीं था कि ये होता क्या है, तो उसको आपको ऑन कैसे करना है। तो गाइज आपको जाना होगा सबसे पहले मैनेज माय अकाउंट। उसमें जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपकी आईडी इस तरीके से खुल जाएगी। माय टिकटॉक कोड या फिर आपके नंबर वगैरह, पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल वगैरह आपके यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू माय प्रो अकाउंट, यहाँ पे आपको प्रो अकाउंट करना पड़ेगा। तो गाइज आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे मत कर देना गाइज, यहाँ पे ऊपर आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहेगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्राफ दिखाएगा उसमें। तो आपको यहाँ पे एनालिटिक्स का यही फायदा होता है कि आपका वीडियो चल रहा है या फिर रैंक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब आपको फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। अब गाइज यहाँ पे आपको कैटेगरी चाहिए आपकी, यहाँ पे चूज़ करनी होगी आपको कौन सी कैटेगरी के वीडियो बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो या फिर किस टाइप के आपको वीडियो बनाते हो। तो मैं यहाँ पे पब्लिक से यहाँ पे यही फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पर आपको करने के बाद आपको डन करना होगा। अगर आप ब्लॉगिंग इस तरीके से करते हो तो आपको उस पर कर लेना होगा, या फिर आप अलग टाइप के आर्टिस्ट वगैरह वीडियो वगैरह यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो इसमें। अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, प्रो अकाउंट आपका सेटिंग यहाँ पे लग जाएगी। इसके बाद में आपको फिर से ओके कर देना होगा। अब गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब इसको आपको ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस पर टैप करता हूँ, तो आपका यहाँ पे फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एनालिटिक्स ओपन होते ही आपको कुछ इस तरीके का ओपन यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। तो आपको ओवरव्यूज़ में आपको जाना। तो गाइज़ आपको मेरे यहाँ पे व्यूज़ में कुछ भी नहीं बता रहा, नो डेटा बता रहा है, क्योंकि मैं इस प्रोफाइल पे वीडियोस अपलोड नहीं करता यहाँ पे, तभी मेरे यहाँ पे व्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नो डेटा बता रहा है, पर यहाँ पे आपको ग्राफ बताएगा, आपका खुद का ग्राफ बताएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फॉलोअर्स भी मेरे नो डेटा बता रहे। तो कुछ इस तरीके से आपको जाना होगा अब आपके फॉलोअर्स में। इस तरीके से आपका फॉलोअर्स वगैरह सभी में आपको जाकर चेक करना होगा कि आपका वीडियो किस टाइम पर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हो। गाइज आप इसी तरीके से इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हो। गाइज आपकी वीडियो रैंक करने लग जाएगी इसको ओपन करने के बाद। आपको किस टाइम पे वीडियो अपलोड करना है, आपकी व्यूज़ किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, तो गाइज इन सभी की आपको जानकारी मिलने वाली है। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है।